नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एबीसी में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में टेट से रिलेटेड पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और इसमें हमारा प्रकरण है पृथ्वी और शैल से संबंधित सारी जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को साथ शेयर करिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी एक प्याज की तरह है। जैसे प्याज में कई परत होते हैं, वैसे पृथ्वी में भी कई परत होती है। अगर हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत की बात करें तो उसे कहते हैं परपट्टी और इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक की होती है। अब अगर परपट्टी की बात हम महाद्वीपीय क्षेत्रों में करें तो वहाँ पे इसकी मोटाई लगभग 35 किलोमीटर, और अगर हम भूपरपट्टी की बात समुद्री क्षेत्रों में करें तो वहाँ पर इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक की होती है। ठीक है। और पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो सबसे ऊपरी सतह होता है वो भूपरपट्टी, दूसरा भाग यानी कि दूसरी सतह मेंटल, और तीसरा भाग यानी केंद्रीय भाग क्रोड होता है। जो परपट्टी होता है इसकी मोटाई 5 से 35 किलोमीटर तक होता है। जो मेंटल होता है उसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होता है, और जो तीसरा भाग यानी क्रोड होता है उसकी मोटाई 3500 किलोमीटर होता है। परपट्टी में मुख्य रूप से सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं, मेंटल में मुख्य रूप से सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, क्रोड में मुख्य रूप से निकिल और आयरन पाए जाते हैं। जो क्रोड है वह केंद्र में होता है और इसका ताप एवं दाब काफी उच्च होता है। अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें तो ये होता है लगभग 6371 किलोमीटर। अगर हम प्रति परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो परपट्टी पूरे पृथ्वी का 1% होता है और मेंटल पूरे पृथ्वी का 84% होता है और क्रोड 15% होता है। तो दोस्तों आइए शैल और खनिज के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही उपयोगी है। तो जो शैल होता है वो खनिजों से बनता है। खनिज क्या है तो दुनिया का सभी पदार्थ खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। अब खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहा जाता है। ठीक है। शैल को हम चट्टान भी कह सकते हैं। शैल विभिन्न रंग, विभिन्न आकार और विभिन्न संगठन की हो सकती है। शैल को मुख्य रूपों से 3 भागों में बांटा गया है, अग्नेय, औषधीय और कायांतरित। अग्नेय लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि। औषधीय लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है स्थिर, और कायांतरित ग्रीक भाषा के मेटामोर्फोस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो आइए एक एक करके सभी शैलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी और एग्जाम में जरूर एक दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ से। तो पहला आपका जो अग्नेय शैल है, देखिए आप लावा और मैग्मा का नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर अगर कोई भी पदार्थ उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाए, जैसे आप पृथ्वी के पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम सुनेंगे प्लाज्मा, तो यही प्लाज्मा वाली अवस्था में कोई भी पदार्थ बिल्कुल तरल और बिल्कुल लाल हो जाता है, तो उसी अवस्था को लावा या मैग्मा कहते हैं। और उस टाइम पर जो तापमान होता है किसी पदार्थ का वह 10 से 7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और इस तापमान पर कोई भी पदार्थ चाहे कोई भी खनिज पदार्थ हो वह बिल्कुल लाल रंग और बिल्कुल तरल अवस्था में जाता है। तो आइए जानते हैं
जो द्रवित मैग्मा और लावा होता है, अगर वह पृथ्वी से बाहर निकल गया तो उसे लावा बोलेंगे। जो द्रवित खनिज पदार्थ लाल रंग के होते हैं प्लाज्मा वाली अवस्था में, अगर वह पृथ्वी से बाहर निकल गया तो उसे लावा कहेंगे, और यदि वह भूपर्पटी में ही पड़ा है तो उसे कहेंगे मैग्मा। ठीक है। और जब यह ठंडा होता है लावा और मैग्मा, तो इसी से जमने के बाद अग्निशल का निर्माण होता है। अगर यह द्रवित पदार्थ बाहर निकल गया तो लावा हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा बहिर्भेदी अग्निशल। ठीक है, क्योंकि अग्निशल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। अब अंतर्भेदी अग्निशल क्या होता है? अगर वही द्रवित पदार्थ भूपर्पटी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो वह आपका हो जाएगा, ठंडा होने के बाद बिल्कुल जम जाएगा और शैल का रूप धारण कर लेगा, और उसे कहेंगे अंतर्भेदी अग्निशैल। चूंकि बहिर्भेदी अग्निशैल बाहर होने के कारण वो जल्दी ठंडा होकर जम जाता है, इसलिए इस शैल की संरचना बहुत महीन और दानेदार होती है। या और इसके उदाहरण में बताएं तो बेसाल्ट, जो दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से ही बना है। ठीक है। और अंतर्भेदी अग्निशैल की बात करें तो ये क्या होता है, भूपर्पटी के अंदर ही होता है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे जमता है और कठोर होता है, तो धीरे धीरे जमने के कारण इसके दाने अपेक्षाकृत मोटे होते हैं। जैसे अगर हम इसको उदाहरण की बात करें तो अग्नेय। अब बात आ गई कि जो हमारे घरों में पत्थर है या जहाँ पे हम अपना गेहूँ पिसवाते हैं या चावल पिसवाते हैं, वहाँ पर कौन सा पत्थर यूज होता है, तो वहाँ पर ग्रेनाइट पत्थर ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है औषधि सेल। अग्नि सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को कहते हैं अवसाद। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाता है और जमा हो जाता है। जमा होने के बाद इसमें रासायनिक क्रिया होने लगती है और ये धीरे धीरे कठोर होने लगता है, और इससे निर्माण होता है अवसादी सेल का। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है बलुआ पत्थर, जिससे लाल किला का निर्माण हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कायांतरित सेल। अग्नि सेल एवं औषधी सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण अपना रूप परिवर्तन करते हैं, तो रूप परिवर्तन के बाद जब ये कठोर होता है तब कायांतरित सेल का निर्माण होता है। और यहाँ पर इसका अच्छा सा एग्जांपल है संगमरमर, जिससे ताजमहल बना आपका है। ठीक है। यहाँ पे एक आपका प्रश्न बनता है कि जीवाश्म किन किस प्रकार के सेल या किस प्रकार के पत्थरों में पाए जाते हैं, तो ये आपका है औषधी सेल। औषधी सेल में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर हम जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म वे सजीव पदार्थों के अवशेष होते हैं जो हजारों साल तक अगर कोई सजीव जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु सेल यानी चट्टानों या पत्थरों में दबे हुए हैं, तो उनके सड़ने गलने के बाद जो भी अवशेष बचते हैं उसे जीवाश्म कहते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं सेल चक्र के बारे में। सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो प्रारंभिक सेल होता है उसे अग्नि सेल कहते हैं, और वह लावा या मैग्मा से बनता है। वह अग्नि सेल जब टूटता फूटता है तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, अवसाद। छोटे छोटे जो टुकड़े बचते हैं टूटने के बाद उसे अवसाद कहते हैं, और वह अवसाद जो है कि आप पढ़े होंगे फिजिक्स में क्या होता है कि छोटे छोटे कणों या सभी कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तो आकर्षण बल के कारण जब इकट्ठे होते हैं
और कुछ योगदान तो हवा और जल का भी होता है उन्हें एकत्र करने का। तो जब एकत्र हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, रासायनिक क्रिया होने लगती है और वह धीरे धीरे जम जाती है। तो जमने के बाद क्या बनता है, औषधीय शैल। और औषधीय शैल में जब ताप और दाब की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो कायंत्रित शैल बनता है। और जब कायंत्रित शैल में अत्यधिक ताप और दाब होता है तो वह पुनः लावा और मैग्मा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर तो आप शैल और खनिज के बारे में कुछ जानकारी तो प्राप्त कर ली है। तो जैसा आप एक पढ़े होंगे कि खनिज और ऐश का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है क्या खनिज ऐश होते हैं या सभी ऐश खनिज होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि खनिज का ही एक छोटा सा भाग ऐश होता है। अब ऐश किसे कहते हैं, जिन खनिजों में क्या पाया जाता है, अगर धातु पाए जाते हैं अशुद्धियों के साथ, अगर धातु पाए जा रहे हैं जिन खनिजों में, उन खनिजों को ऐश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जिन खनिजों में अशुद्धियों के साथ धातु पाए जाते हैं उन्हें ऐश कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि खनिज का एक छोटा सा भाग ऐश होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिन खनिजों में धातु की आंशिक मात्रा होगी उसे ही हम अयस्क कहेंगे, सभी खनिजों में तो होगा नहीं, इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल का बेल आइकन जरूर